सो लेट अस बिगिन बाय योर इंट्रोडक्शन. ठीक है, सो पहले आई वुड वॉन्ट टू नो अ लिटिल बिट अबाउट यू. एक बार इफ यू कुड जस्ट टेल मी कि कहाँ से पढ़ाई करी है एंड कब नेट का प्रिपरेशन शुरू किया. ओके सो लाइक आई सेड माय नेम इज आशय. आई एम फ्रॉम यवतमाल महाराष्ट्र एंड आई डिड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम नागपुर इन हिसलप कॉलेज नागपुर एंड देन माय पीजी माय मास्टर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी कैंपस इन नागपुर ओनली. तो ओके, नागपुर मेरा वही यूनिवर्सिटी. या नागपुर यूनिवर्सिटी से आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन ओके, एंड मास्टर्स यू कंप्लीटेड योर पोस्ट ग्रेजुएशन इन इन विच ईयर? 2023 इन लास्ट ईयर 23, लास्ट ईयर 2023 इन मई. मई जून. मई मई जून, राइट राइट. एंड देन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नेट. यस. आई स्टार्टेड ओके, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ. आई स्टार्टेड आई टुक योर कोर्स एंड स्टार्टेड माय जर्नी टू नेट. नेट. परफेक्ट परफेक्ट. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि जो पेपर टू का जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो सबसे पहले मतलब क्या फर्स्ट स्टेप क्या लिया था कि जब सोचा कि अब नेट देना है तो क्या किया सबसे पहले? तो फर्स्ट मैम पहले तो मैंने एक एक अटेम्प्ट दिया था एक जनरल बिफोर बिफोर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर. आई गिव प्रिपरेशन एन अटेम्प्ट और मैंने जस्ट टू कभी टेस्ट द वाटर्स. हाँ एग्जैक्टली जस्ट टू टेस्ट द वाटर आई गिव एन अटेम्प्ट और उसमें मिजरेबली आई स्कोर. तो ओके, बट देन आई मतलब मुझे तब पता चला कि हाउ इट शुड बी डन मतलब हाउ प्रिपेरेशन शुड बी डन. तो देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम जून. आई टुक योर कोर्स इन जून लास्ट ईयर एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फ्रॉम दैट. तो बिफोर दैट आई हैड नो आइडिया कि कैसे होता है नेट का प्रिपेरेशन कैसे होता है सिलेबस क्या है. आई डिड आई न्यू नथिंग. आई स्टार्टेड विथ योर कोर्स ओनली. तो ओके, सो वहीं से शुरू किया. एंड मतलब जून जुलाई में व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड स्टडिंग, सो क्या ऑर्डर था? पहले कौन से टॉपिक्स करे या किस टाइप से यूनिट्स को टैकल किया? यूजीसी नेट का सिलेबस यू मस्ट हैव सीन, सो वहां से कुछ आइडिया लगा? मैम वही जो सिलेबस यूजीसी नेट के वेबसाइट पे दिखा उससे कुछ भी आइडिया नहीं लगा कि है क्या एग्जैक्टली क्या है. बिकॉज उसमें सिर्फ ड्रामा फिक्शन नॉन फिक्शन एंड पोएट्री ऐसा एक जनरल लिखा है और उसमें उससे कुछ भी नहीं समझता कि एग्जैक्टली करना क्या है. बट राइट सिंस आई वॉज राइट. वॉचिंग योर वीडियोज ड्यूरिंग माई मास्टर्स आपके जो छोटे छोटे वीडियोज है आई यूज टू सी आई यूज टू वॉच दोज वीडियोज. तो उससे मुझे एक आइडिया आ गया था कि आपके वेबसाइट पे यू हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ ऑल दी ऑथर्स. फिर वहाँ के सिलेबस से यूजीसी के सिलेबस से कुछ समझा नहीं तो आई मूव्ड ऑन टू योर वेबसाइट और वहाँ से आइडिया लग गया कि सिलेबस कितना बड़ा है एंड एग्जैक्टली व्हाट टू रीड. तो फिर मैंने वहाँ से चालू ओके, किया एंड देन आई वॉट योर कोर्स. तो इट वॉज रियली हेल्पफुल आफ्टर दैट. ओके. तो या इसमें ब्रिटिश से पहले ब्रिटिश लिटरेचर ही पकड़ा था कि क्या पकड़ा था? यस जी मैम आपने जो वीडियो दिया था बिफोर दिसंबर 2023 अटेम्प्ट यू पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब कि हाउ टू स्टडी इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स. तो उसमें आपने बोला था कि फोर राइटर्स फ्रॉम ब्रिटिश एंड टू टॉपिक्स फ्रॉम क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी टू डू एवरी राइट. डे. आई फॉलोड दैट एग्जैक्ट शेड्यूल और उसी से मैंने दिसंबर तक की पढ़ाई की थी जितना मेरे से हो सका इतना बिफोर किया, दिसंबर अटेम्प्ट. आई हाँ उतना राइट वो शेड्यूल के हिसाब से ही किया रोज टू राइट स्टडी राइट. दैट शेड्यूल एवरी डे. वैसे एक जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, मैंने जनरली सुना है कि सपोज ऐसे कोई नॉवेलिस्ट है, चार्ल्स डिकेंस है, थॉमस हार्डी है, जिनके बहुत सारे नॉवेल्स हैं, सो उन सबका किस टाइप से स्टडी उन लोगों का सारे नॉवेल्स का किया? कई स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जैक्ट टेक्स्ट पढ़ते हैं, मतलब जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते हैं, कई लोग वो पढ़ते हैं, कई लोग समरीज पढ़ते हैं, सो व्हाट वाज योर अप्रोच? मैम आपने जो वीडियो दिया एनिमेटेड वीडियोस दैट रियली हेल्प क्योंकि बाहर से आप पढ़ने जाओ तो विकिपीडिया से या फिर इन जनरल कहीं से भी पढ़ने जाओ या ओरिजिनल टेक्स्ट तो पढ़ना मुश्किल है क्योंकि हाँ, इतने टेक्स्ट कहाँ ही पढ़ेंगे. बट बाकी एग्जैक्टली. उसके सिवा भी अगर विकिपीडिया या कहीं से और पढ़ने जाओ तो इट इज क्वाइट हार्ड. तो जब मैंने आपके वीडियोस देखे एनिमेटेड वीडियोस तो पूरा एक बार में ही समझ जाता था. तो आई डिडंट हैव टू स्टडी इट अगेन तो उससे समझ जाता था. अच्छा, और आई यूज टू नोट इट डाउन इन माई नोट्स तो वो और ओके, ज्यादा इजी हो जाता. तो नेक्स्ट टाइम जब पढ़ता था तो आई ओनली नीडेड टू वॉच इट. रेफर टू द नोट्स. हाँ बट राइट इसी राइट, से पढ़ के मेरा हो जाता था. हो तो जाता. जितने भी हार्ड राइटर्स है आपने जो क्रोनोलॉजिकली उनके वर्क्स और उनके इसमें डिस्कस किए उनको उनके वर्क्स को और उनकी लाइफ को जो डिस्कस किया आपने आपके वीडियोज में क्रोनोलॉजिकली
तो उससे ही क्रोनोलॉजी भी मेरी हो गई और इन जनरल पढ़ाई भी हो गई वो राइटर्स की। पढ़ाई भी हो गई, राइट हाँ राइट। कॉन्फिडेंस उसी से आया। अच्छा हाँ वो वाले, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज आई थिंक यूजीसी नेट इंग्लिश में है वो यही है कि इतने सारे नॉवेल्स पोएम्स की समरी, क्योंकि बहुत अंदर अंदर से ये लोग क्वेश्चंस देते हैं, तो आपको जब तक प्लॉट नहीं समझ में आएगा तब तक आप उसके आगे के थीम सिंबल्स को रट तो सकते नहीं है, नहीं तो वो नहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है। सो आई थिंक हाँ, जो नोट्स बनाने की आपने बात बोली, तो नोट्स बनाने का क्या स्ट्रैटेजी था, किस तरीके से आप नोट्स बनाया करते थे? जो भी आप लेक्चर्स में पढ़ाते थे आई यूज टू राइट इट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा था तो आई यूज टू राइट एवरीथिंग एंड देन आफ्टर डूइंग योर लेक्चर्स एवरी नाइट आई यूज टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो मतलब जब मैं ओके, नेक्स्ट हाइलाइटेड रीडिंग करूंगा तो मुझे सिर्फ हाइलाइटेड पढ़ना पड़ेगा, तो आई टू डू दैट, आई पढ़ना पड़ेगा, टू राइट परफेक्ट। एवरीथिंग इन द फर्स्ट वॉच। या ओके, सो नोट्स में तो जैसे मैंने पीडीएफ भी साथ में दे रखे, तो उनको रेफर करते थे कि नहीं, अपने ही नोट्स बनाते थे? नहीं मैम पीडीएफ भी पढ़ता था बट आपके वीडियोस देख के मैं खुद के नोट्स बनाता था तो दैट वाज मोर कंफर्टेबल फॉर मी। मोर कंफर्टेबल। हाँ और नोट्स जैसे बनाए, उसके बाद में रोज सपोज आपने 4 या 5 राइटर्स करे, और कल फिर आप जब पढ़ोगे तो सबसे पहले आप वो वाले नोट्स रिवाइज करते थे? करेक्ट। या तो मैंने 1 घंटा पहले का जो मेरे रोज का शेड्यूल था उसमें 1 घंटा मैंने पहले सिर्फ रिवीजन के लिए दिया था, तो आई यूज टू रीड एंड रिवाइज एवरीथिंग दैट आई हैव स्टडीड यस्टरडे। तो मैं जो ओके, कल रात में कल जो पढ़ा था वो आज मैं फिर से रिवाइज करता था, देन आई स्टार्टेड द नेक्स्ट थिंग द नेक्स्ट पार्ट। आई यूज टू ओके फिर या आई यूज टू नेक्स्ट वाला रीड। पढ़ते थे, हाँ राइट राइट। और ये पूरा जो कोर्स खत्म किया, तो दिसंबर में जब अटेम्प्ट दिया था तब तक कितना कोर्स हो गया था, कितना पढ़ लिया था? मेरा ब्रिटिश लिटरेचर का मॉड्यूल पूरा हो गया था और क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी का चल रहा था तो ऑलमोस्ट ओके दैट वाज आल्सो कंप्लीटेड, बट बाकी इंडियन एंड अमेरिकन लिटरेचर आई वांटेड टू फोकस बट बिफोर दैट अटेम्प्ट आई कुडंट, बट आफ्टर दैट ओके, आई तो उसको फिर कंटिन्यूड। उसके बाद में टैकल किया। हाँ ओके, और यू ऑल्सो मेंशन दैट यू प्रिपेयर्ड फॉर महाराष्ट्र सेट, तो उसका क्या यस स्ट्रैटेजी था, क्योंकि क्या नेट से थोड़ा डिफरेंट था, उसका प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट किया, उसके लिए PYQs देखे कि क्या किया? यस मैम फॉर नेट आई हैव नेवर रेड एनी PYQs। जो भी आपके ओके एग्जाम आपके कोर्स में जो एग्जाम्स होते थे मॉडल मॉडल एग्जाम मॉडल टेस्ट, तो वो छोड़ के आई हैव नेवर रेड एनी PYQs फॉर नेट, बट फॉर सेट ओके माय सीनियर्स एंड माय फ्रेंड्स यूज टू टेल मी कि PYQs पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न है जिससे वो क्वेश्चंस क्वेश्चंस पूछते हैं, पूछते हैं। तो मैंने राइट। सारे प्रिंट्स निकाल रखे थे PYQs के एंड आई यूज टू रीड इट एवरी डे एंड आई यूज टू फाइंड कि कौन से राइटर्स ज्यादा पूछे हैं या उनके पैटर्न देखता था कि कौन से टाइप के क्वेश्चन कौन से राइटर पे पूछे थे। तो ओके फॉर मी MH सेट वॉज इजियर, तो वो तो होना ही था क्योंकि आपका होना ही। कोर्स क्या था नेट लेवल का, अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली सेट आई कैन क्लियर इजिली, तो एक वो आइडिया आ गया था आपके कोर्स के बाद और PYQs पढ़ने के बाद फॉर सेट। राइट राइट। और महाराष्ट्र सेट में जब सेट का सिलेबस देखा, तो वहां पे महाराष्ट्र सेट में सबसे ज्यादा फोकस किन चीजों पे होता है? वहां मैम वहाँ पे जितना मैंने देखा है ब्रिटिश लिटरेचर एंड क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी लाइक नेट, उसमें भी उसी पे ज्यादा फोकस मैंने देखा है, बट फ्रॉम रिसेंट इयर्स जो लास्ट लास्ट के कुछ एग्जाम्स हुए थे उसमें आई नोटिस कि इंडियन लिटरेचर पे सवाल पूछना भी दे हैव स्टार्टेड आस्किंग मोर क्वेश्चंस ऑन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो अच्छा, या तो वहां मतलब एक थोड़ा सा भी ट्रेंड वहां पे शिफ्ट हुआ है महाराष्ट्र सेट में। यस यस ओके ओके, नोट मेकिंग का क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्टी आती है कि वो लोग जब अपने नोट्स बनाते हैं तो या तो वो नोट्स ही बनाते रहते हैं, फिर उसे याद नहीं करते। तो मैं जैसे हमेशा ये बोलती हूँ कि कोई भी चीज को समझना, अंडरस्टैंड, और उसे याद करना, मेमोराइज, ये 2 अलग चीज है। आपको अंडरस्टैंड तो पहले करना ही पड़ेगा, आप रट नहीं सकते डायरेक्टली, लेकिन अंडरस्टैंड के बाद आपको नोट्स बना के, आप जो भी नोट्स है उसको आपको लिटरली याद भी करना पड़ेगा, बैठ के मेमोराइज करना पड़ेगा। सो व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, कि मतलब अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजेशन कैसे चलता था? एक्चुअली मैंने बहुत लोगों का नोटिस किया है मैम दे ट्राई टू मेक नोट्स एस्थेटिकली, तो उनको कि अच्छा दिखना चाहिए। आई प्रेफर्ड कि मेरे नोट्स बस मुझे समझे, तो कैसे भी लिखो एटलीस्ट मुझे समझे। तो आई यूज टू राइट जो भी आप सिखाते थे आई यूज टू राइट ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स और वही लिखता था एंड आई कैन ऑल्सो शो यू माई नोट्स इफ यू वॉन्ट। जी, यस यस एब्सोल्युटली।
These are my notes for British literature. I don't know if you can see. यस, आई थिंक थोड़ा सा पीछे शायद ले जाना पड़ेगा, कैमरा जूम हो रहा है, लेट मी, हाँ, अब विजिबल है, एक बार उसको स्टेबल रखो, सो आई थिंक दिख जाएगा. नहीं, अभी तो ब्लर हो रहा है, एक बार थोड़ा सा पीछे लेके जाओ. हाँ, आई थिंक वैसे दिख रहा था, राइट. ओके, बाप रे, काफी सारे पेजेस है, सो दिस इज, ये मतलब स्कूल लूज ब्रिटिश पेजेस पे है बनाए हैं. ओके, या ब्लैंक पेजेस आई यूज टू रीड राइट ऑन ब्लैंक पेजेस ओनली आई और कैन फिर आई विल उसका वो सेंड सम बंडल बना लेते हैं. पिक्चर पिक्चर्स ऑफ माय नोट्स इफ यू वांट आई कैन शो यू दैट आई विल ओके, सेंड परफेक्ट परफेक्ट हाँ परफेक्ट. हाँ, सो तो उससे क्या मेरे को ये समझ आएगा कि किस टाइप से स्टूडेंट्स को और अच्छा, मतलब नोट्स बनाना चाहिए. वी कैन फ्लैश दैट ऑन स्क्रीन एज वेल. इसके अलावा, मतलब इतने सारे कैरेक्टर्स वगैरह. हाँ, राइट. आई थिंक वो शायद, हाँ, मतलब वो ब्लर हो रहा है, राइट हाँ ब्लर नो राइट प्रॉब्लम बट जैसे इतने सारे कैरेक्टर्स वगैरह कैसे याद रखे? जैसे चार्ल्स डिकेंस की हम बात करें तो चार नॉवेल्स में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो फिर उनको कैसे याद रखते थे? मैम आप जो एनिमेटेड लेक्चर्स में जो डायग्राम्स बनते थे कैरेक्टर्स फोटोज उससे बहुत इजी जाता था समझना और याद रखना क्योंकि आई उसको एग्जैक्टली कॉपी दैट और वही कैरेक्टर्स ओके, की डायग्राम्स बना लेता था और एक स्टोरी लाइन का भी एक ये बना लेता था डायग्राम जिससे मुझे छोटे छोटे पॉइंट से भी समझ जाए कि पूरा प्लॉट क्या है प्लॉट क्या है एग्जैक्टली हाँ हाँ, तो एग्जैक्टली उससे समझ जाता ठीक है. और एक जैसे बताया कि एक रिवीजन यू यूज टू डू नेक्स्ट डे, यस रोज, नया कुछ भी पढ़ने से पहले. उसके अलावा कितनी बार रिवाइज किया एग्जाम देने से पहले? रिवाइज आई थिंक आई हैव डन फ्यू टाइम्स लाइक 3 से 4 बार तो मैंने रिवाइज किया था सेम चीजें बिकॉज अभी मैंने ये जो नोट्स दिखाए थे आपको वो नोट्स में बहुत प्रिसाइजली जितना काम का था और इम्पोर्टेंट था वो लिखा था और उसके बाद उसको और हाईलाइट करके जो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट किया था तो मेरे लिए रिविजन बहुत ज्यादा ईजी हो जाता था वो नोट्स की वजह से तो आई राइट कुड राइट. रिवाइज फॉर आई थिंक 4 to 5 टाइम्स आई कुड रिवाइज तो बिकॉज ऑफ दैट प्रिसीजन इन नोट्स प्रिसिजन, हाँ ये एक बहुत ही ज्यादा अच्छा पॉइंट है जो मुझे, मतलब आफ्टर लिसनिंग टू योर जर्नी, आई आई कैन रियली अंडरस्टैंड. और ये सेम पैटर्न मेरा भी था जब मैंने नेट दिया था. काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ही गलती करते हैं कि आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो या आप कोई बुक से पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ उसको पढ़े जाते हो, मतलब आप बस पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, आप ये नहीं देख रहे आपको याद हो रहा है क्या, आप ये नहीं देख रहे कि वो चीज आप कितना रिटेन कर पा रहे हो. सो व्हाट यू डिड वाज एक्टिव लर्निंग. मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो बुक पढ़ रहा है वो पैसिव लर्निंग है, आप मैगजीन या न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहे हो कि आपको समझ तो आ रहा है बट याद कुछ नहीं हो रहा. याद जब नहीं आप होता नोट्स के लिए पेन पेपर लेके बैठते हो तब आपको एक्चुअली याद होता है. लाइक इवन लाइक वेर आई एम हैविंग अ कॉन्वर्जेशन विथ यू, तो भी मेरे पास हमेशा एक नोटबुक है कि हाँ, अगर कुछ इंपॉर्टेंट है तो आई हैव टू जॉट इट डाउन, आई हैव टू. सो वो एक, आई थिंक उससे हमारा अटेंशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, नहीं तो पता ही नहीं चलता है कि आप पढ़ते पढ़ते कहाँ कौन से ख्यालों में खो गए हो. हाँ तो देर इज मोर स्कोप ऑफ डाइवर्जन और दिस डाइवर्जन व्हेन यू आर जस्ट रीडिंग तो आप जो पढ़ते वेन यू पढ़ते रीड कहाँ ख्याल चले जाएंगे पता नहीं चलता बट व्हेन पता यू नहीं चलेगा. मेकिंग नोट्स एक्टिवली तो इट इज इजियर टू रिमेम्बर एंड लर्न एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई टोटली अंडरस्टैंड. इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां या कोई मिस्टेक हुई थी पूरी प्रिपरेशन जर्नी में विच यू लेटर रिग्रेटेड कि अरे ये तो अप्रोच मेरी गलत थी, मुझे ऐसे नहीं ऐसे पढ़ना था? वन थिंग दैट आई रिग्रेट स्टिल रिग्रेट इज नॉट गिविंग मोर अटेंशन टू पेपर वन जैसे मैंने बोला था मैंने कभी पढ़ा ही नहीं पेपर वन डायरेक्टली तो मैंने सिर्फ बाद में जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ एंड आई स्कोर्ड लेस इन पेपर वन देन आई रियलाइज कि मुझे पेपर वन भी पढ़ना चाहिए पेपर टू पेपर पे वन. आई रिलाइड ओनली ऑन पेपर टू उसमें तो अच्छे आ जाते थे पर पेपर वन में आई टू गेट लेस मार्क्स बट वो थोड़ा पहले कॉन्फिडेंस था जब मैं पढ़ना चालू करना था बिफोर आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग तो एक कॉन्फिडेंस था कि शायद पेपर वन तो ईजी है वो आ जाएगा बट वंस आई स्टार्टेड अटेम्प्टिंग दोज पेपर्स और फिर हाँ, देखा कि इट इज हार्ड पेपर तो वन का लेवल बहुत बढ़ गया है. मतलब पहले ये लिटरल सेंस में क्वालिफाइंग पेपर था कि आपका बेसिक कॉमन सेंस टेस्ट कर रहा है कि आपको नॉर्मल दुनिया भर की थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, ग्लोबल वार्मिंग का थोड़ा सा पता है आपको, थोड़ा सा हायर एजुकेशन सेक्शन में क्या चल रहा है, आईसीटी के कॉमन चीजें आपको जो कंप्यूटर में हम रोजमर्रा में देखते हैं वो टर्मिनोलॉजी पता है. अब ये लोग इतना ज्यादा डिटेल में चले गए हैं कि मतलब मुझे कई बार लगता है कि पेपर 2 से 50% सिलेबस तो पेपर 1 का भी हो ही गया है.
पहले जहां 10-12% का सिलेबस था कि हाँ आप लास्ट के 15 दिन भी पढ़ोगे तो निकाल लोगे, वो शिफ्ट होके अब ऐसा हो गया कि आपको 2-3 महीने की तो प्रिपरेशन रोज अगर आप एक एक दो दो घंटे कर रहे हो तो चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बट ये गलती आई थिंक इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज मैं जब एक स्टूडेंट की तरफ भी जाके देखती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि जब पेपर 2 का सिलेबस इतना वास्ट है तो स्टूडेंट के पास टाइम तो लिमिटेड ही है, और टाइम से भी ज्यादा ये है कि आपका दिमाग में रिटेंशन कैपेसिटी भी लिमिटेड है। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप पढ़े ही जा रहे हो, आपका दिमाग थकेगा भी, उसको नींद भी चाहिए, उसको आराम भी चाहिए। तो वहां पे एक बैलेंस बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों को लेके चला जाए। अभी जो अगस्त में वापस से री एग्जाम हुआ, उससे पहले जो जून का अटेम्प्ट था, हाउ वाज योर जून अटेम्प्ट? जून अटेम्प्ट आई थिंक वाज रियली इजी. जो क्वेश्चंस उसमें आए थे इंग्लिश में, इट वाज लाइक सीयूईटी लेवल या उससे भी कम के, तो उससे कॉन्फिडेंस बढ़ गया था. बट एक टाइम से ये भी लग रहा था कि शायद कट ऑफ बढ़ जाएगा, बहुत क्योंकि हाई पता नहीं हाई था कि हाँ. तो वो जो रात थी वो एग्जाम के बाद की, तो बहुत हैप्पी एंड वो द लिटिल एंजाइटी आई हैड, क्योंकि अटेम्प्ट बहुत ईजी था और अच्छा गया था. बट कट एट द सेम टाइम आई न्यू कि मेरा ऑफ बहुत अटेम्प्ट हाई बाकी जाएगा, का भी जाएगा. सबका हाँ भी इजी गया होगा, राइट। और फिर उसके बाद में जो ये पूरा अनसर्टेनिटी वाला फेज था जिसमें री एग्जाम होना था, फिर री एग्जाम की डेट नहीं आ रही थी, फिर री एग्जाम के टाइम पे भी प्रॉब्लम्स चल रही थी काफी सारी, कई बार ये न्यूज आ रही थी कि सेंटर चेंज हो गया, दो अपना इंग्लिश का पेपर तो स्टार्टिंग में ही हो गया था तो एटलीस्ट यू वर थ्रू विथ इट कि फिर कुछ भी हो रहा हो हमने तो पेपर दे दिया है। सो उस टाइम पे हाउ डिड यू मैनेज टू फोकस? जून में जब एग्जाम हुआ, जून से लेके अगस्त के बीच का जो पूरा पीरियड था वो कैसे गया? एक्चुअली आई स्टार्टेड वर्किंग, तो बिफोर यू आर क्लियरिंग माई एग्जाम, आई वॉज जस्ट एज अ रिसर्च स्कॉलर, आई वॉज टू टीच स्टूडेंट्स इन माई ओन डिपार्टमेंट. तो मेरा टाइम उसमें दिन भर निकल जाता था. बट आई लॉस्ट होप ऑन नेट, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि एग्जाम अब कब होगी, कुछ आइडिया नहीं था. तो उसमें आई इवन स्टॉप स्टडिंग फॉर इट, आई डिडंट इवन रिवाइज. बट देन डेट आई, तो आई स्टार्टेड रिवाइजिंग इट अगेन, और फिर तब फिर से वापस होप आया कि आई थिंक आई वुड क्लियर इट. तो क्लियर है। मेरा टाइम पूरा उसमें ही जाता था, एंजाइटी में, कि पता नहीं क्या होगा, कब होगा एग्जाम. तो बट बट ये एक ठीक आने अच्छी के बाद चीज है स्टार्टेड. कि यू लाइक इस बार मैंने देखा काफी सारे स्टूडेंट्स ने ये किया, और इसमें आई थिंक उनकी भी गलती नहीं है जितना आई थिंक पूरे सिस्टम को ब्लेम किया जाएगा कि आपने एग्जाम कंडक्ट किया वो गलत तरह से कंडक्ट हो गया, फिर री एग्जाम हुआ, तो किसी भी बच्चे का एक डीमोटिवेशन आना कि ठीक है अब मैं वापस दूंगा ही नहीं, जो हो गया सो हो गया, वो आना बहुत इजी था। आई एम वेरी हैप्पी कि ठीक है जो भी एंग्जाइटी थी उसके बावजूद व्हेन द डेट वाज आउट यू डिसाइडेड कि नहीं अब मुझे पूरा फोकस होके वापस से रिवीजन करना है, दैट दैट वाज एग्जैक्टली. अ गेम चेंजर। हाँ, हाँ इसके पहले तक, डेट आने के पहले तक मतलब मैं देख सोचता भी नहीं था कि मैं शायद नेट दूंगा अभी जो आएगी, शायद री नेट जब होगा तो शायद दूंगा भी नहीं, ऐसा लगता था. बट फिर डेट आ गई तो थोड़ा एक ये आ गया कि अब करना चाहिए, अब बैठ के रिवाइज. हो पा गई, हाँ, तो फिर राइट देन आई राइट राइट स्टार्टेड रिवाइजिंग. तो एक दो बार रिविजन हुआ और फिर आ गए थे एग्जाम. तो एग्जाम एग्जाम में भी जब मैं बाहर निकला मैं पेपर देने के बाद, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा अच्छा गया है, क्योंकि रिवीजन थोड़ा कम हुआ था लास्ट टाइम से. रिवीजन वाज लिटिल लेस, क्योंकि मैंने छोड़ ही दिया था. तो कुछ कुछ इजी क्वेश्चंस भी आई कुडेंट रिमेम्बर कि इसके आंसर क्या हो सकते हैं, आई कुडेंट रिमेम्बर. तो एक थोड़ा ये था कि शायद और थोड़ा अच्छा पढ़ लेता था तो वो क्वेश्चंस भी आ जाते थे. बट फिर राइट बाद में आई सॉ माय आंसर की, जो फाइनल आंसर, फाइनल इंटरिम आंसर की जब आई, तो फिर आई वॉज हैप्पी अगेन. तो तब हाँ हाँ. दैट इज नाइस। अच्छा एग्जाम में जब पेपर दे रहे थे तो क्या स्ट्रेटेजी था, मतलब पेपर किस अटेम्प्ट में दिया, पहले कौन से क्वेश्चंस करे, किस टाइप से 3 घंटे का टाइम मैनेज किया? ओके, सो वन ऑफ माय सीनियर्स फ्रॉम पीजी, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि रीडिंग कंप्रेहेंशन के जो क्वेश्चंस होते हैं दैट इज ऑल ऑन अस. तो वो पूरा सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो एटलीस्ट वो तो भी कर लो, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा हार्ड जाता है. तो एटलीस्ट वो करना पहले इंपॉर्टेंट है. तो आई अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चंस फर्स्ट, ऑल 15 क्वेश्चंस फ्रॉम ओके, पेपर 1. पेपर 1 पेपर 2 दोनों के मिला के, ठीक है। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विथ द इजी क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1, बिकॉज पेपर 1 की ओके मैंने इतनी पढ़ाई नहीं की थी, पहले से ही नहीं करता था. तो जितना आता था, जैसे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल क्वेश्चंस, आईसीटी एंड ऑल, आई अटेम्प्टेड दोज क्वेश्चंस फर्स्ट एंड केप्ट मैथ्स क्वेश्चन और डीआई क्वेश्चंस फॉर द लास्ट.
तो उसके बाद ओके वो क्वेश्चंस छोड़ के देन आई स्टार्टेड सेकंड पार्ट टू द इंग्लिश पेपर। द इंग्लिश पेपर राइट पूरा खत्म हो गया, उसके बाद फिर टाइम बचा था आई थिंक हाफ एन आवर और 40 मिनट्स आई स्टिल हैड लेफ्ट। तो मैंने फिर जो पेपर वन के मैथ्स एंड डीआई के क्वेश्चंस थे वो किए, तो लकीली ओके वो भी सॉल्व हो गए अच्छे से, हाँ, तो इसलिए मार्क्स उसमें भी हुए बढ़े। उसमें भी मार्क्स आ गए। ये एक बहुत अच्छा अप्रोच है जो अभी यू यू जस्ट मेंशन कि पहले मैंने इजी इजी सवाल सारे सॉल्व करे, बिकॉज वहीं से कॉन्फिडेंस आता है। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं, हम पेपर उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट करेंगे जिस सीक्वेंस में दिया है। तो अगर अचानक से तीन डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गए, तो आप उसके बाद वाले इजी क्वेश्चंस पे भी अटक जाओगे, वहां पे भी आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले हम इतना सारा जो इजी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर ले, ताकि हमको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ 50-60% पेपर हो गया हमारा। फिर हम वो जो पूरा एनर्जी है उसको हम हार्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में डाल सकते हैं। सो मैथ्स वाला वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी कि मैथ्स वाले जितने भी क्वेश्चंस थे यू अटेम्प्टेड एट द एंड, एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यू अटेम्प्टेड अटेम्प्टेड एट द बिगनिंग, बिकॉज वहां पे आपको ऐसा होता है कि हाँ, ऐसा नहीं हो कि पूरे पेपर में हम उलझ के रह जाए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो सबसे इजी है उसको हम बाद में कम टाइम के चक्कर में कुछ भी मार्क करके आ जाए। तो कम से कम उसको हम पूरी शांति से टैकल करें। एक्चुअली क्योंकि बिल्कुल मेरा मैम एक्सपीरियंस जो था, मैंने दिसंबर अटेम्प्ट जब किया था तो मेरे लास्ट के कुछ क्वेश्चन छूट गए थे बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। 164 जो मुझे आए थे वो थोड़े ज्यादा भी आ सकते थे अगर मैं थोड़ा टाइम मैनेज कर लिया होता था, क्योंकि तब मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि जस्ट मैंने मेरी पढ़ाई खत्म हुई थी, मतलब मोस्ट ऑफ द सिलेबस आई कवर्ड बिफोर माई दिसंबर अटेम्प्ट। तो एक बहुत ज्यादा एंजाइटी थी कि इस बार शायद होगा नहीं होगा, क्योंकि जब ज्यादा भी टेंशन पढ़ाई कर लेते हैं तो टेंशन आना शुरू हो जाता है। आ जाता है। तो राइट राइट फिर वही, तो फिर तब जी मेरे कुछ क्वेश्चंस छूट गए थे, तो इसलिए मेरा एक प्लान यही था कि जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा आई मैनेज टाइम, कि मुझे टाइम राइट मैनेज राइट करना है करना कुछ भी करके, तो इस है। और बार इसके लिए क्या डिड यू ऑल्सो गिव सम मॉक टेस्ट पहले, एग्जाम से पहले? हाँ एग्जैक्टली मैम, आपके कोर्स में जो मॉक टेस्ट है, मैं आई यूज टू गिव दैट एवरीडे बिफोर पेपर। दिसंबर अटेम्प्ट भी पहले दिया था और जून, अभी जो अटेम्प्ट हुआ जून अटेम्प्ट, उसके पहले भी आई यूज टू प्रिपेयर विद दोज मॉक टेस्ट, तो उससे ओके टाइम मैनेजमेंट में और ज्यादा फायदा हुआ। उसी में गलतियां करके हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये हाँ वर्क नहीं हुआ, अब अगले मॉक में हम अलग एग्जैक्टली तरीके से प्रिपेयर करके देखते हैं, फिर अगले में हम क्योंकि अलग तरीके से डाल के देखते हैं। राइट क्वेश्चंस कभी कभी ऑप्शन जो होते हैं बहुत सिमिलर लगते हैं आंसर में, कि ये भी करेक्ट है शायद ये भी करेक्ट है, तो उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता। तो अपन टाइम, अगर अपने पास वी हैव इफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो हम थोड़ा और ज्यादा सोच के सही आंसर आ जाएंगे मार्क करके, बट जब अपने पास टाइम कम रहता है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता, तब उसमें उसमें ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो दो हो जाए। कंफ्यूजिंग में चांसेस है कि आप गलत ऑप्शन चूज करके आ जाओ। मतलब आई थिंक वो जो बोलते हैं ना कि यूजीसी नेट इज अ एग्जाम दैट इज नॉट जस्ट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज वे मोर देन दैट। इट टेस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट टेस्ट हाउ यू डील विथ एंग्जाइटी, कि आप एग्जाम पेपर में अगर अचानक से आपको डर लग रहा है क्वेश्चंस देख के, कुछ क्वेश्चंस आपसे हो नहीं रहे सॉल्व, उस टाइम आप उस फीलिंग से कैसे ओवरकम करते हैं। इट इज ऑल्सो अ टेस्ट ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। सो वही है कि सिर्फ आपका सब्जेक्ट पे कमांड है और ये सारी चीजें नहीं है, तो भी वो वाली बात है केक बेक करने वाली कि सारे इंग्रेडिएंट चाहिए, सिर्फ मेरे पास में बटर होगा या फ्लावर होगा तो उससे तो नहीं बनेगा, मेरे को चीनी भी करेक्ट, चाहिए और दूध भी चाहिए और सारी चीजें चाहिए। जी तो इसीलिए वो जो मॉक टेस्ट थे वो बहुत ज्यादा काम है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हाइल गिविंग द अटेम्प्ट। तो राइट टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा काम है। अगर आप राइट इन जनरल आप सेल्फ स्टडी करोगे, तो आप मॉक टेस्ट बुक से दोगे या फिर आप ऐसे देखोगे पीवाईक्यूज विल सी एंड ट्राई टू अटेम्प्ट इट, तो वो काम नहीं आएगा, क्योंकि जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होती है वहां पे और आप एक बुक लेके बैठ के आप लिख रहे होगे, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा फर्क आता है। फर्क होता आता है। आप एलिमिनेशन में आप पेन पेपर पे कुछ भी कट नहीं कर सकते हो, आपको स्क्रीन पे ही हाँ अपने मेंटल में ही हटाना है कि ये बी और डी तो नहीं हो सकता, ए सी में से एक ऑप्शन है। पेन हाँ पेपर तो पे इट बिकम्स वेरी इजी। राइट राइट बिल्कुल इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है। सो दो तीन चीजें अपने लोगों ने आज डिस्कस करी। एक आपने बताया कि पेपर वन का इंपॉर्टेंस भी बहुत है, क्योंकि नहीं तो आपको पूरा का पूरा अपना जो एफर्ट है वो पेपर टू में ही डालना पड़ेगा, और वहां से आप
सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो, मतलब पेपर टू डिजाइन, पेपर वन हो पेपर टू हो, दोनों डिजाइन ही ऐसे कि आप 80-85% से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो अटेम्प्ट। तो अगर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लाने हैं तो वो आपको पेपर वन की मदद लेनी होगी। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मेंशनड इज नोट्स का इंपॉर्टेंस एंड उसको एक रेगुलर रिविजन देने का इंपॉर्टेंस, कि हर रोज हम उसको रेगुलरली पढ़े। एंड थर्ड थिंग इज कि हम मॉक टेस्ट, मॉक पेपर्स दे, ताकि हम गलतियां करें, उन गलतियों से हम समझें कि किस तरीके से हमको अपना अटेम्प्ट देना है आगे वाला, क्या स्ट्रैटेजी मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है, क्या मुझे पहले पेपर वन को अटेम्प्ट करना है या मुझे पहले प्रैक्टिकल पोर्शन को करना है। तो वो सारी चीजें हमने अपने मतलब एक तरह से टेस्ट मैच या प्री बोर्ड्स की तरह हमने दे दिए, सब गलती कर ली, कि हम बोर्ड्स में एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ बैठे और फिर हम अटेम्प्ट करें। बहुत ही बढ़िया, मतलब एंड आई थिंक एग्जैक्टली एक एक जो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके वो ये है कि देखिए, मेरा एज अ टीचर एक ही काम होता है कि मैं आपको सारा कंटेंट बहुत अच्छे से समझा के दे दूं, जितना आसान बना सकती हूँ वो बना दूं, लेकिन उन सारी चीजों को यूज करके प्लस ये जो आपने कुछ टिप्स दिए हैं कि रेगुलर रिविजन, नोट मेकिंग, ये एक स्टूडेंट ही कर सकता है। और ये एफर्ट अगर स्टूडेंट नहीं करता है तो टीचर कुछ भी पढ़ा ले, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई स्टूडेंट क्वालिफाई कर सकता है। तो उस एफर्ट के लिए यू डिजर्व ऑल द क्रेडिट ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नो कि आपके फादर खुद एक प्रोफेसर है एंड आप वो लेगेसी को आप फॉरवर्ड लेके जाएंगे अपने घर की। एंड मतलब आई थिंक टीचिंग इज अ वेरी वेरी नोबल प्रोफेशन। बहुत बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि हम आगे वाली पीढ़ी को समझा पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं, और उससे भी ज्यादा सुंदर होता है कि लिटरेचर पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि लिटरेचर समाज में जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं लिटरेचर से ही निकल के आता है। जिसने लिटरेचर आज हम डिसेबिलिटी स्टडीज या फिर हम जब ये सब पढ़ते हैं, फेमिनिज्म पढ़ते हैं या मार्क्सिज्म पढ़ते हैं, तो वो जो एक सिंपथेटिक एटीट्यूड होता है बाकी लोगों के लिए कि अच्छा जो डिसेबल्ड है वो भी, उनको भी इंक्लूड किया जाए हमारे अंदर, ये सारी चीजें तो आप तभी फील कर पाते हो जब आप इन सारे नॉवेल से अपने आप को एक्विंट करते हो। नहीं तो फिर वही हो जाता है, कैपिटलिज्म वाला मार्केट है कि सब कुछ आप सिर्फ पैसे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए कर रहे हो, आप दुनिया के लिए क्या कर रहे हो। वो अप्रोच शायद एक लिटरेचर स्टूडेंट ही समझ पाता है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू नो कि आपने ये पूरा जर्नी, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जून से लेके जो अगस्त की जर्नी थी, एक एग्जाम होना, वो अच्छा जाना, फील होना कि अरे ये तो क्लियर हो जाएगा, और फिर वो एग्जाम रद्द हो जाना, उसके बाद वापस मोटिवेट होके और फिर सेकेंड एग्जाम देना, सो फॉर दैट हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ, थैंक यू ग्रेट। मैम। एंड शेयर माई काइंड रिगार्ड्स टू योर एंटायर फैमिली, स्पेशली योर फादर, एंड टेल हिम दैट यू नो ऑल द टीचर्स, लाइक ऑल ऑफ अस टुगेदर, हम सब मिलके कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड वी शुड रियली बी थैंकफुल टू द गॉड अबव कि हमें ये मौका मिला कि हम कुछ अपने देश के लिए कर पा रहे हैं थ्रू दिस नोबल प्रोफेशन। सो ऑल द बेस्ट। अब आगे के क्या प्लान्स हैं, अब क्या सोचा है, नेट हो गया है तो अब क्या क्या करने का इरादा है? एक्चुअली आई एम करंटली वर्किंग इन माई डिपार्टमेंट, जहाँ मैंने खुद पढ़ा था मास्टर्स, वहीं पे मैं आई एम करंटली टीचिंग नागपुर यूनिवर्सिटी में? नागपुर यूनिवर्सिटी ओके, वहीं यूनिवर्सिटी पे कैंपस। यू आर ऑल्सो तो परस्यूइंग वहीं योर पे यस पीएचडी? मैम, आई एम नॉट रजिस्टर्ड येट, आई ओके, जस्ट क्या सबमिटेड माई रिसर्च प्रपोजल यस्टरडे ओनली। तो आई विल टॉपिक बी है? टॉपिक हैविंग माई मैम माई टॉपिक इज साइकोएनालिटिक स्टडी ऑफ ट्रॉमा इन द वर्क्स ऑफ इन जिलियन फ्लिन। यू माइट नो हर बाय या गॉन गर्ल, द नॉवेल गॉन गर्ल, जिलियन फ्लिन, आयन बैंक्स एंड डेव पेल्जर। तो डेव पेल्जर रोट मेमोअर्स ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड ट्रॉमा। ओके, सो माय मेन फोकस इज ऑन पैरेंटल अब्यूज एंड चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड ऑल, ओह सो अर्ली वाओ, ट्रॉमा। ओके, सो काफी काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आई थिंक ये जितने भी टेररिस्ट और जो भी ऐसे लोग हो रहे हैं दुनिया में, कहीं ना कहीं वो सब निकले तो चाइल्डहुड ट्रॉमा से ही है। करेक्ट करेक्ट बिकॉज जब हिटलर को देखते हैं तो लगता है कि अगर उसने वो सब नहीं देखा होता जो उसके घर में हो रहा था, उसके फादर का उसकी मदर को अब्यूज करना वो नहीं देखा होता, तो शायद इतनी नफरत उसके अंदर पैदा नहीं होती। एग्जैक्टली राइट, एग्जैक्टली वही दैट वंडरफुल व्हाट आई वांटेड वंडरफुल। टू स्टडी, क्योंकि साइको साइको एनालिसिस में आई ऑलवेज हैड सम इंटरेस्ट, तो आई वाह, वांटेड टू परसू इन दैट हाँ, दैट फील्ड एग्जैक्टली, और वो जरूरत इंटरेस्ट। भी है। मतलब मुझे कई बार लगता है कि वी मैरी आर पीएचडी,
क्योंकि 5 6 साल आप उस थीसिस के साथ बिताते हो, तो यू काइंड ऑफ हैव अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विथ योर थीसिस एंड प्रपोजल. सो उसे पसंद करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इट विल बी अ वेरी अनहैप्पी मैरिज विच विल नेवर बी सक्सेसफुल. अगर जो चीज आपको इंटरेस्ट नहीं है वो चीज में आप पढ़ने जाओगे तो इट जस्ट मैकेनिकल, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता तो कोई होता ही नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होता उससे, बस फायदा भी नहीं होता, आप कुछ एग्जैक्टली एक्स्ट्रा मतलब आप एफर्ट भी नहीं कर पाते हो, आप सिर्फ उतना ही करते हो जितना एफर्ट्स नहीं। रिक्वायर्ड है. हाँ बस वो ठीक, एक थीसिस बन जाता है एंड यू जस्ट सबमिट इट टू द सबमिटेड, यूनिवर्सिटी। हाँ परफेक्ट परफेक्ट. आई एब्सोल्युटली अग्री टू व्हाट यू सेड. सो ऑल द बेस्ट पीएचडी के लिए, एंड आई विश कि अभी जो स्टूडेंट्स को यू आर टीचिंग उनको भी ये विश्वास दिलाओ कि नेट आसान है, नेट किया जा सकता है. और जो जो चीजें यू हैव एक्सपीरियंस्ड इन योर जर्नी, आई वुड रियली वांट कि उन सब स्टूडेंट्स को भी यही सारी चीजें, बिकॉज मुझे एक चीज बहुत लगती है कि देखिए पढ़ कहीं से भी सकते हैं. आज विकिपीडिया, एआई, चैट जीपीटी, इतना नॉलेज है कि कोई टीचर का एक्चुअली रिक्वायरमेंट है नहीं आज के टाइम पे. बट रिक्वायरमेंट किस चीज का है, वो करेक्ट गाइडेंस का, कि आप रिविजन रेगुलरली करें, आप पेपर पैटर्न को समझे, पेपर किस तरह से, मेजर राइटर से कैसे सवाल आ रहे हैं, माइनर राइटर से कैसे सवाल आ रहे हैं, किस राइटर को कितना डील करना है, कौन सी नॉवेल के सिर्फ नाम याद रखना है, कौन से का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना है, और कौन से का समरी याद रखना है. ये गाइडेंस आई वुड रियली वॉन्ट कि यू शेयर विथ योर स्टूडेंट्स एज वेल, एंड उनके लिए भी नेट की जर्नी को आसान बनाओ. एक्चुअली ऑलवेज टेल माई जूनियर्स एंड ऑल्सो नाउ माई स्टूडेंट्स कि ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा। सेल्फ स्टडी से बहुत लोगों ने कैन यू हाँ, हेयर योर मी? वॉइस वॉज ब्रेकिंग, सॉरी. ओके इज इट आई एम ऑडिबल नाउ? यस यस, यू आर ऑडिबल. तो ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे ये नेट, यूजीसी नेट, ऐसा नहीं है। यू कैन डू दैट, बट वेन यू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस और एक आपके पास एक डायरेक्शन बन जाती है तो इट इज इजी। दैट्स व्हाई आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय आई थिंक वापस ब्रेक हो रहा है आशय. हेलो कैन यू हियर मी मैम? यस, आई थिंक आई लॉस्ट यू इन द मिडिल. एक बार इफ यू कैन जस्ट से व्हाट वर यू सेइंग, वो बीच में कनेक्शन लॉस्ट हो गया था. ओके ओके सो आई वाज सेइंग कि सेल्फ स्टडी से नहीं होगा ऐसा नहीं है। सेल्फ स्टडी से बहुत लोगों ने ये क्लियर किया है एग्जाम, बट व्हाट आई ऑलवेज टेल माय जूनियर्स एंड नाउ माय स्टूडेंट्स इज कि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है फॉर नेट, स्पेशली फॉर इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस इतना वेग दिखता है जब यूजीसी के वेबसाइट पे देखते हैं कि कुछ समझता ही नहीं है। तो व्हेन यू हैव अ डायरेक्शन तो इट इज ईजी। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप जो क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं वो करो। मैंने अर्पिता मैम के क्लास लिए थे तो इट रियली हेल्प मी अलॉट, तो आप वो ले सकते हैं। तो वन ऑफ माई जूनियर्स एक्चुअली एनरोल्ड इन योर क्लासेस रिसेंटली, तो उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि एक डायरेक्शन होना जरूरी है, इसलिए आप क्लासेस लगाओ। सेल्फ स्टडी से नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट वेन यू हैव डायरेक्शन इट इज ईजियर, लॉट ईजियर। बिल्कुल, इजी भी है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है. मेन बात ये है कि आपको एक ही जगह सब कुछ मिल जाता है, नहीं तो अदरवाइज अब मेरे टाइम पे आई स्टडीड ऑन माय ओन, तो मैंने खुद ही नोट्स बनाए, बट मुझे 8 9 महीने तो सिर्फ नोट्स बनाने में लग गए. मैं कुछ याद करने के स्टेज पे ही 9 महीने बाद आ पाई, जब मेरे पास में एक अच्छा मटेरियल इकट्ठा हो गया था, तो वो टाइम बच जाता है, दैट इज द ओनली थिंग. टाइम बचता है क्योंकि मैम सोर्सेस इतने ज्यादा है कि आप समझ नहीं पाते कि कौन सा पढ़ना शुरू करूं और कहाँ से हाँ, शुरू करूं। कहाँ जब से जैसे शुरू करूँ. आपका कोर्स है, अगर मैं आपका कोर्स जस्ट रैंडमली मैंने अगर ले लिया एंड आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, आई नो कि कहाँ से शुरुआत करना है और कहाँ से होगा। अब मैं जनरल पढ़ने जाऊँ तो शायद कभी स्टार्टिंग का ब्रिटिश लिटरेचर, चौसेरियन एज या उससे पहले का मैं कभी पढ़ता ही नहीं था अगर मैं खुद से पढ़ता था। एक डायरेक्शन जब आती है, एक सिलेबस अपने पास रहता है तो इट इज इजियर टू लर्न एंड रिमेम्बर एवरीथिंग। रिमेम्बर, राइट राइट, एब्सोल्यूटली. लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई गॉट टू लर्न सो मच फ्रॉम योर जर्नी. मुझे और कॉन्फिडेंस आया है उन चीजों पे कि हाँ, ये जो चीजें यू हैव टोल्ड मी, इसको मैं और आगे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि वो भी यही यूज करें स्ट्रेटजीज एंड नेट क्लियर करें. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर पीएचडी, एंड आई वुड लव टू रीड योर थीसिस. सो जब भी थीसिस सबमिट हो तो जस्ट शेयर दैट लिंक विथ मी, एंड आई लव टू हियर, बिकॉज मेरा खुद का साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म इज वेरी वेरी फेवरेट. सिगमंड फ्रॉइड इज लाइक वेरी वेरी डियर टू माई हार्ट, सो आई वुड लव टू एक्सप्लोर दैट एज वेल.
श्योर मैम, आई विल डेफिनेटली सेंड इट. एंड कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली मेंबर्स. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम, थैंक यू सो चलिए, मच. स्टे कनेक्टेड. इफ यू नीड एनी हेल्प पीएचडी के टाइम पे भी, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ मैसेज ऑन माई टीम्स नंबर एंड वील गेट इन टच. थैंक यू. या श्योर मैम, थैंक यू. ग्रेट ग्रेट. ओके, थैंक यू. थैंक बाय बाय. यू.